Okay, so guys, today I'm here in Dundas Street and I'm gonna show you one of the main intersection of Toronto, which is almost in the center of Toronto, and not almost in center, but the corner, but one of the main street and one of the main area. So yeah, welcome back to my channel, and this is my vlog number 32. So today is Friday, और आज की वीडियो यही है कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि टोरंटो में नॉर्मली फ्राइडेज कैसे होती हैं. सो इट्स यूजुअली लोग नॉर्मली एक्साइटेड होते हैं वीकेंड की तैयारी के लिए, और मैं भी आया हूँ दंडस स्ट्रीट, और आज आपको दिखाऊँगा कि दंडस स्ट्रीट इतनी रौनक भरी क्यों है और बेसिकली ये जगह इतनी ख़ास क्यों है टोरंटो के लिए. सो बेसिकली मोस्टली लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार ये नॉर्मली टोरंटो अफोर्डेबल है उन देसी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बाहर से आते हैं. यार जिस हिसाब से यहाँ के रेट चल रहे हैं ना अपार्टमेंट के, स्पेशली जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ, वहाँ नॉर्मली आप एक अपार्टमेंट $2,500-$3,000 में मिलता है यार. और मेरी एरिया में भी अगर आप आना चाह रहे हो, जैसे नॉर्मली यहाँ से 20 मिनट के ड्राइव पर है नॉर्मली डाउन टाउन से, वो आपको मिलता है कोई 1200-1300. सो टोरंटो रिहाइश के हिसाब से बहुत महंगा है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए. और ये नॉर्मली इस एरिया का सबसे फेमस एरिया जहाँ पर सर्दियों में नॉर्मली लोग स्केटिंग करते हैं. आज खाली पड़ा हुआ है और सूखा पड़ा हुआ है, बट इसको सर्दियों में ये लोग पानी भरते हैं जो फ्रीज होता है, एंड देन दे डू स्केटिंग. एंड या आज खाली खाली सा लग रहा है. Sorry. कॉफी खाली भी मजा नहीं आता. यू नो यू हैव टू हैव सम स्नैक्स फॉर दैट. चिंग ऐसा कर रहे हैं, चिंग दांत भी चमकना चाहिए उसमें. अच्छा ये फूड ब्लॉग नहीं है, सॉरी, बट अच्छा बनाना केक ये बोल के बेच रहे हैं. दोनों ओके. बेसिकली कनाडा में और यहाँ पर जो मुझे अभी तक अच्छा लगा, सबसे अच्छी बात लगी मुझे अभी तक कि यार यहाँ लोगों को अपने काम में इतने मसरूफ़ है कि किसी को कोई परवाह नहीं है कि आगे पीछे क्या हो रहा है. सो आप व्लॉग बनाओ, आप शादी वूट करो, या आप कुछ भी करो, यहाँ आपको कोई घूरने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, सब अपने कामों में मसरूफ़ हैं. आई थिंक इट्स अमेजिंग. कभी कभी अच्छा नहीं लगता, बट आई थिंक मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ, जो मुझे यू नो लोग घूर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है इतना कैमरा ले कर खुद से बात करना. इट्स नॉट अ ईजी टास्क यू नो क्राउड के बीच. सो आई थिंक दैट्स अ गुड पार्ट. So guys, time to go back home, and I added as much information I can, you know, through the video. Agar aapko ye acha laga ho, like, share and subscribe. Baki apna khyal rakhe. Take care.
बाय।